आज मैं आपके सामने एक फ्रेंच व्यक्ति का बहुत ही इंटरेस्टिंग, क्योंकि ये जो अब तक के मैंने नियर डेथ एक्सपीरियंस शेयर करे हैं उनसे कुछ अलग है का एक्सपीरियंस शेयर करने जा रही हूँ। इन्होंने अपने नियर डेथ एक्सपीरियंस में ना सिर्फ दूसरे प्लैनेट देखे, बल्कि जो ढेर सारे सवाल हमारे मन में होते हैं ना कि क्या दूसरे प्लेनेट होते भी हैं, क्या हमारा जीवन होता है तो कैसा होता है, क्या उनकी सभ्यता हमसे आगे है या उनकी सभ्यता हमसे पीछे है, वहाँ पर ज़िंदगी कैसे होती है, वहाँ पर प्राणी कैसे होते हैं, ढेर सारे जो सवाल हमारे मन में है ना, इनका जवाब उसने अपने नियर डेथ एक्सपीरियंस में पाया। यहाँ पर एक खास बात और है, वो व्यक्ति बताते हैं कि उनको नियर डेथ एक्सपीरियंस तो बाद में हुआ, लेकिन उससे कुछ महीने पहले ही कुछ अजीब होना शुरू हो गया था, जैसे ये प्रकृति कुछ मैसेज दे रही हो, कुछ ऐसा समझ लीजिए। वो कहते हैं कि मुझे जो लोग मेरे स्वर्गीय प्रियजन हैं वो दिखने शुरू हो गए थे, कुछ आवाज़ें आनी शुरू हो गई थी। वो आवाज़ें मुझे, जब मैं बिस्तर पे सोने जाता था उस वक्त मुझे पक्का पता है कि मैं सो नहीं रहा होता था, मैं बस आराम कर रहा होता था, और मुझे कुछ ऐसी आवाज़ें आती थी जो दूसरों को नहीं दिखाई दे रही, मुझे मेरे स्वर्गीय प्रियजन दिखाई देते थे जो दूसरों को नहीं दिखाई दे रहे। ये उनके नियर डेथ एक्सपीरियंस से कुछ महीने पहले ही शुरू हो गया था। इसके बाद अब हम आते हैं जब उनका एक्सीडेंट हुआ, वो तारीख थी 3 सितंबर 1990 और वक्त था दोपहर के 3:15 बजे। उन्होंने बताया कि हम क्यूबेक सिटी से वापस आ रहे थे और मेरा दोस्त कार चला रहा था। सामने से एक और वाहन आ रहा था जिनसे उनकी कार टकराई और बिना किसी देरी के एक ही झटके में उनके प्राण शरीर से निकल गए। वो कहते हैं कि मैंने अपने आप को, अपनी बॉडी को कार के अंदर देखा और खुद को मैं कार के बाहर देख रहा था और कार के इंजन में भी थोड़ी आग लग गई थी। उन्होंने देखा वो और उनकी फ्रेंड जो कार ड्राइव कर रही थी, उन दोनों के ही शरीर अंदर हैं, लेकिन उन्होंने अपनी फ्रेंड की आत्मा को अपने साथ नहीं देखा। वो बताते हैं कि उन्हें फौरन ही इस बात का एहसास हो गया कि उनका शरीर छूट गया है, उनकी मृत्यु हो गई है, और उन्होंने चाहा कि वो अपनों को, जिनसे वो प्रेम करते हैं, अपने फैमिली मेम्बर्स को ये बताएं कि अब वो इस दुनिया में नहीं हैं। लेकिन उन्होंने कोशिश भी करी, जिस पल उन्होंने चाहा उस वक्त ही वो अपने प्रियजनों को अपने सामने महसूस कर सकते थे, देख सकते थे, उनके सामने खुद को देख सकते थे, लेकिन कोई उन्हें सुनने वाला नहीं था, उनकी बात उन्हें देखने वाला नहीं था। खैर, यहाँ तक तो बहुत सामान्य ही नियर डेथ का एक्सपीरियंस है, लेकिन अब इससे आगे जो उन्होंने दूसरे प्लैनेट्स को देखा वो क्या था? जैसा कि सभी नियर डेथ एक्सपीरियंस में होता है कि पहले एक सुरंग आती है सामने, ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि उन्होंने अपने आप को एक बिल्कुल अंधेरे से लेकिन बहुत शांत जगह पर पाया। सुरंग जैसे स्थान नहीं था ये, ना ही ये वहाँ से क्रॉस कर रहे थे, बल्कि अंधेरा था, जैसे एक पिक्चर हॉल होता है ना, उसमें बिल्कुल अंधेरा हो, एकदम शांति हो और सामने स्क्रीन पर फिल्म चल रही हो, कुछ ऐसा। उस अंधेरी सी जगह पर उनके सामने भी एक फिल्म चल रही थी और वो थी उनकी ज़िंदगी की फिल्म, लेकिन ये ऐसे थी जैसे बस वो अभी जी रहे हैं। और कमाल की बात ये थी, वो जो अपने जीवन की घटनाएं उस वक्त देख रहे थे, उसमें वो देख रहे थे जो उन्होंने दूसरे लोगों तक खुशी या दुख जो भी पहुंचाया है अपनी बातों के थ्रू, अपने कर्मों के थ्रू, जो भी उन्होंने दूसरों दूसरों ने जो भावनाएं उनके लिए महसूस करी हैं उन्हें वो देख रहे थे। और इसके बाद उन्होंने अपने सामने एक प्रकाश को देखा। वो कहते हैं मुझे अच्छी तरह से याद था, जैसे मुझे स्पष्ट था कि मैं चाहूँ तो मैं इस प्रकाश के करीब भी जा सकता हूँ और चाहूँ तो इससे दूर भी जा सकता हूँ, लेकिन वो प्रकाश इतना, इतनी उसमें शांति की, प्यार की, आनंद की वाइब्रेशंस फील हो रही थी कि मैं उस तरफ जाना ही चाहता था, हरगिज़ हरगिज़ मुझे उस प्रकाश से दूर नहीं जाना था। वो बताते हैं कि एक मोमेंट ऐसा भी था जब कुछ था जो उन्हें उस प्रकाश की तरफ से बढ़ने से रोक रहा था, तो वो कहते हैं कि हाँ, मुझे अच्छे से एहसास है कि वो थी लोगों की नाराज़गियाँ, वो थी जो उन्हें उस प्रकाश की ओर बढ़ने से रोक रही थी।
ये जो एक लाइन बोली गई है ना कि वो लोगों की नाराजगियां थी जो कुछ मोमेंट के लिए, कुछ पल ऐसे थे जब वो उन्हें उस प्रकाश की तरफ बढ़ने से रोक रही थी, जैसे पीछे खींच रही थी। इसी से समझ लीजिए कि आपके कर्मा जब आपकी मृत्यु हो जाएगी ना, उसके बाद वो ऑटोमेटिकली काम करेंगे। अभी तो आप सोच समझ के कर रहे हैं ना, जो भी, जो कुछ भी मन से, शब्द से, कर्म से, जो कुछ भी कर रहे हैं सोच समझ के कर रहे हैं। उसके बाद वो ऑटोमेटिक मोड में सेट हो जाएंगी उसकी ऊर्जा, और वो अपने आप कार्य करेगी। जैसे इस केस में हुआ, इस केस में वो कहते हैं कि मुझे एक पल को, जैसे मैं चाह रहा हूँ उस प्रकाश के करीब जाना, लेकिन फिर भी कोई मुझे खींच रहा है, रोक रहा है। और वो क्या था? वो थी लोगों की नाराजगियाँ। ये उन्होंने अपने शब्दों में कहा है, एक्चुअल में वो थी उनके द्वारा की गई गलत ऊर्जा जो उन्होंने निर्मित की थी। और इन्होंने एक बहुत खास बात कही, इन्होंने कहा कि मुझे चीज़ों को डिटेल में देखने की आदत है। तो वो जो प्रकाश था वो एक शंकु की तरह था, और मैं उसके बिल्कुल किनारे पर रुक कर धीरे धीरे सब कुछ देखना चाहता था। और वो जो प्रकाश था वो बड़ा एक इंटेलिजेंट प्रकाश था। वो प्रकाश कोई निर्जीव वस्तु नहीं था, वो बहुत इंटेलिजेंट था। वो इनकी भावनाएं समझ सकता था, ये क्या चाहते हैं समझ सकता था, जैसे टेलीपैथिक मैसेज आपस में हो रहे हों, कुछ ऐसा प्रकाश था वो। और उन्हें उस वक्त एक बहुत एक चीज़ का एहसास हुआ, उन्हें लगा कि यहाँ उनके पास सारे ब्रह्मांड की नॉलेज है, उन्हें सिर्फ एक काम करना है, उन्हें बस अपने मन में एक सवाल करना है और उसका आंसर इन्हें मिल जाएगा। तो सबसे पहली बात जो इस प्रकाश में खड़े होकर, इस प्रकाश के किनारे पर उन्होंने कही, उन्होंने कहा, क्या दूसरे प्लैनेट्स पर भी जीवन है? और इसका जवाब, जो कि आप सब भी जानते हैं, क्या आया? हाँ, है, लाखों में, लाखों करोड़ों ग्रहों पर है। दूसरा सवाल, क्या दूसरे प्लैनेट हैं जो पृथ्वी की तुलना में कहीं ज्यादा बेहतर हैं? जवाब था, पृथ्वी पर आप जितना जानते हैं उससे कहीं ज्यादा विकास वाले हजारों ग्रह हैं। तीसरा सवाल, क्या पृथ्वी से कम विकास वाले ग्रह भी हैं? और इसका उत्तर, हाँ है, हजारों हैं। और अब था चौथा सवाल, जिसके बाद क्या हुआ जानने की इच्छा हम सबको है। और वो चौथा सवाल था कि क्या मैं उच्च विकास वाले किसी ग्रह को देख सकता हूं? और जवाब था, हाँ बिल्कुल, लो। और एक ही क्षण में, एक ही पल में वो एक दूसरे प्लेनेट पर थे। वो वहां पर अपना शरीर देख पा रहे थे, लेकिन ऐसे नहीं जैसे धरती पर। और सिर्फ इतना ही नहीं, उस दूसरे प्लेनेट के निवासियों से भी उनकी बात हुई, और वो जो उच्च स्तरीय वहाँ के प्राणी थे उनके सामने वो ऐसे थे जैसे कोई आदिम युग का व्यक्ति हमारे सामने आ जाए ना, वो जंगलों में रहने वाले, हम उस कैटेगरी के थे। यानी इस पृथ्वी का विकसित से विकसित, उच्च से उच्च कैटेगरी का व्यक्ति, बहुत तकनीकी रूप से उन्नत टेक्नोलॉजी को जानने वाला व्यक्ति भी उनके सामने एक आदिम युग के मानव जैसा है। अच्छा, एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ थी वो ये कि जब वो व्यक्ति उच्चतर प्लेनेट पर गया है तो वहाँ के जो प्राणी हैं उसके बारे में जो उसने बताया वो उनसे कम्युनिकेट कर पाया टेलीपैथिक रूप से, जबकि वो फ्रेंच था, उसे फ्रेंच के अलावा कोई और भाषा नहीं आती थी, लेकिन भाषा कोई मायने नहीं रखती थी। टेलीपैथिक रूप से वो उनसे कम्युनिकेट कर सकता था, वो भी उससे कम्युनिकेट कर पा रहे थे, और वो उसे ऐसे देख रहे थे जैसे कोई आदिम युग का व्यक्ति देख लिया। और इसके उलट उसी व्यक्ति ने जब पृथ्वी के मुकाबले निम्नतर ग्रहों को देखने की इच्छा जाहिर करी और वो देखे, तो कमाल की बात थी कि वहाँ वो कोई टेलीपैथिक संदेश कन्वे नहीं कर पा रहा था, वो वहाँ सिर्फ देख सकता था कि क्या चल रहा है, लेकिन कोई मैसेज कन्वे नहीं हो रहा था, और ना ही वहाँ के प्राणी उसे देख सकते थे। वो कहते हैं कि कुछ कुछ मुझे अब समझ में आ रहा था कि क्यों, जैसे हम देखते हैं ना कि इतने सारे प्लैनेट हैं, कितने हमसे ज़्यादा आगे हैं, तो क्यों नहीं हमारा कम्युनिकेशन क्यों नहीं होता दूसरे प्लैनेट के लोगों से? पता नहीं कितने सालों से कोशिशें ही चल रही हैं। हाँ, हम चांद पर भी गए तो हमने कोई दूसरे प्राणियों को थोड़े देखा।
तो हमसे हमारा कम्युनिकेशन क्यों नहीं होता? तो इसने ये चीज़ महसूस करी कि निम्नतर से कम्युनिकेशन नहीं होता, क्यों? क्योंकि ये भी पृथ्वी नाम के प्लेनेट पर था, तो जो उससे निम्न ग्रहों पर जब वो गया, तो वहाँ वो कम्युनिकेट नहीं कर पाया। तो शायद एक सीमा होती है, बहुत निम्न स्तर पर जाकर टेलीपैथिक मैसेज भी कन्वे नहीं होते, लेकिन जब आप बहुत एक स्तर को पा लेते हैं, जैसे जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी मेरे विचार से ना ये कोई बहुत आदिम युग जैसा प्लेनेट है, ना ये बहुत तकनीकी रूप से उन्नत है, ये एक बीच की ग्रोइंग स्टेट में है। तो इस वजह से जब यहाँ से ये व्यक्ति उन्नत ग्रहों पर गया, तो उन्नत ग्रहों के प्राणी इससे कम्युनिकेट कर पाए, टेलीपैथिक रूप से ये भी उनसे कम्युनिकेट कर पाया, लेकिन निम्नतर ग्रहों पर नहीं कर पाया शायद। और ये शायद ये चीज़ शायद प्रकृति ने रोकी है। प्रकृति चाहती है कि जैसे छोटा बच्चा होता है ना, तो जो चीज़ अभी उसके लिए नहीं बनी उसके सामने लेकर भी मत आओ, तो तुम उनको ग्रो करने दो, उनको उनके स्तर पर ग्रो करने दो, उसमें तुम इंटरफेरेंस ना करो। तो इस तरीके से कुछ हुआ और ये निम्नतर स्तरों पर जाकर उनसे कम्युनिकेट नहीं कर पाया, लेकिन उच्चतर स्तर के प्राणियों से कम्युनिकेट कर पाया। अब इस कम्युनिकेशन में क्या हुआ और वो प्राणी कैसे थे, इस चीज़ को हम अगली कड़ी में देखेंगे। ये केस अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इन्होंने सिर्फ इतना नहीं, जो 9/11 की घटना हुई उसे भी इन्होंने अपने उस नियर डेथ एक्सपीरियंस में ही देख लिया था। जैसे कि प्रकृति द्वारा पहले से ही वो घटना तय थी, और भी बहुत कुछ, अनेकों अनेक, पृथ्वी का भविष्य भी इन्होंने देखा। तो इस सब का जिक्र मैं अगली कड़ी में करूँगी। मुझे पता है अब नीचे कमेंट में एक सवाल भी आएगा, आप पूछेंगे कि क्या 9/11 की घटना तय थी? अगर 9/11 की घटना तय थी, तो इसका मतलब किसी ने क्या कर्म करना है ये भी तय है? तो नहीं, ये तय नहीं है, लेकिन कुछ हमारे संस्कार होते हैं जिसके तहत हमने जो कर्म करना है वो तय होता है, उस हिसाब से कुछ चीज़ें हमारी फ्यूचर की तय होती हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आप सभी के साथ अपने सेकंड चैनल पाथ ऑफ हैप्पीनेस का लिंक शेयर किया है, जहाँ पर इसी तरह की मृत्यु के बाद की दुनिया के संबंध में सत्य तथ्यों पर आधारित, जिन लोगों को नियर डेथ एक्सपीरियंस हुए हैं या फिर जिन लोगों ने पास्ट लाइफ रिग्रेशन में इस चीज़ का एक्सपीरियंस किया है, कुछ लोग को बाय बर्थ ही, जन्म जात ही इस तरह की जानकारियाँ रही हैं, कुछ लोगों की सिक्स सेंस बहुत अच्छी रही है और उन्हें सपनों के माध्यम से, इंट्यूशन के माध्यम से इस तरह की जानकारियाँ मिली हैं, ऐसे बहुत बहुत सारे अनोखे एक्सपीरियंस लोगों के हुए हैं और जो सत्य भी साबित हुए हैं। ये सब जो डीप रिसर्च हुई है उसके बेस पर जो जानकारी निकल कर सामने आई है, वो इन दोनों चैनल्स पर, पाथ ऑफ पीस और पाथ ऑफ हैप्पीनेस, इन दोनों चैनल्स पर प्रदान की जाती है। अगर आप इसी तरह की मृत्यु के बाद की दुनिया के संबंध में जानकारी चाहते हैं, तो कृपया मेरे सेकंड चैनल पाथ ऑफ हैप्पीनेस, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, पर एक बार ज़रूर विजिट कीजिए। और इसी वीडियो का अगला भाग मैं जल्दी ही इसी चैनल पर अपलोड करूँगी। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें।